नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको यूनेस्को गुलेरमो कानो फेस फ्रीडम प्राइज 2019 के बारे में बोलने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ज़रूर देखिए अंत तक, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आ सकता है। इसको ज़रूर देखिए एंड तक। लेट्स कम बैक टू द यूनेस्को और गुइलेर्मो कानो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2019। दिस प्राइज रिकॉग्नाइजेस आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द डिफेंस और प्रमोशन ऑफ प्रेस फ्रीडम, स्पेशल इन द फेस ऑफ डेंजर। द प्राइज व्हिच कैरीज ए रिवार्ड ऑफ $25,000 प्राइज इज फंडेड बाय द गुइलेर्मो कानो इसाजा फाउंडेशन और कोलंबिया, द हेल्सिंग सनमोटो फाउंडेशन फिनलैंड एंड द नाम्बिया मीडिया ट्रस्ट। व्हाट इज गुइलेर्मो कानो प्रेस फ्रीडम प्राइज? द प्राइज इज नेम्ड आफ्टर गुइलेर्मो कानो इसाजा, द कोलंबियन जर्नलिस्ट हु वाज असासिनेटेड इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस ऑफ हिज न्यूजपेपर EI Espectador in Bogota, Colombia on 17th December 1986. The 2019 UNESCO or Guillermo Cano Press Freedom Prize has been awarded to the Reuters reporter Walano and Kiasu O. The jury has recognized their exceptional courage in reporting on alleged human rights violation in the Myanmar state of Rakhine. Both Wa Lanun and Kia So Oh had worked hard to pursue a career in the journalism that was impossible in the junta era. Their documentary on the taboo topic regarding crimes committed against Rohingyas landed them behind the bars. Thus, Press Freedom Prize 2019 pledges a tribute to their courage, resistance, and commitment to the freedom of expression.